कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। बरसाना पहुंचकर राधा रानी मंदिर में जाकर बकायदा उन्होंने माफी मांगी। प्रदीप मिश्रा ने वहां राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दिया। संत समाज ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था कि राधा रानी को लेकर इस तरह की भ्रामक बातें उन्होंने आखिरकार कह कैसे दी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था, पहले 7 दिनों का, फिर 3 दिनों का, और अब ये तस्वीरें भी सामने आई जब बरसाना पहुंचकर प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी, बाकायदा दंडवत प्रणाम करके राधा रानी से माफी मांगी, वहां मौजूद तमाम संत समाज के लोगों से माफी मांगी जिनकी भावनाएं आहत हुई थी प्रदीप मिश्रा के उस विवादित बयान से।